Good morning everyone, welcome to online classes. Today we will start second chapter of class 8 maths book. The second chapter is exponents or powers. Exponents and powers आप लोगों ने class 7 में भी पढ़ा है, तो पहले हम लोग इसका basic जानते हैं, then हम लोग जो इस class में नया है उसके बारे में discuss करेंगे. So अगर हम लिखते हैं 3, उसके ऊपर 4 लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको रीड कैसे करेंगे? 3 रेज टू द पावर 4, तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे? बेस. ये मेरा क्या है? बेस. और 4 क्या है? एक्सपोनेंट्स या पावर. हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं और पावर्स भी कह सकते हैं. 3 रेज टू द पावर 4 मींस है 3 हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. 3 × 3 × 3 × 3. अभी तक हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, तो इस चैप्टर में हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं. अगर हम लोग इसी को 3 raised to the power -4 लिखे, है ना, तो इसका मीन्स क्या है? अगर हम बोले a टू द पावर माइनस m, दैट मीन्स ये क्या होगा? रेसिप्रोकल. अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या होगा? ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम इसको लिखना चाहें पॉजिटिव में तो 1 divided by 3 raised to the power 4, दैट मीन्स 1 divided by 3 × 3 × 3 × 3. ठीक है, तो हम लोग क्या है इस चैप्टर में? नेगेटिव एक्सपोनेंट, दैट मीन्स अगर a टू द पावर माइनस m है तो वो केस में कन्वर्ट 1 by a टू द पावर m, यानी इसको वो रेसिप्रोकल, अगर हमको पॉजिटिव करना हो तो वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. पहला लॉ क्या है मेरा? a by b टू द पावर m × a by b टू द पावर n, यानी कि क्या हम देख रहे हैं? बेस मेरा सेम है और एक्सपोनेंट क्या है? डिफरेंट है. तो क्या होगा? बेस सेम रहेगा, a by b रहेगा, लेकिन पावर क्या होगा? एड होगा. तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. 5 by 7 to the power -4, हम एक्सपोनेंट क्या? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं. तो मेरा एक पावर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन क्या है? बेस सेम है. तो क्या होगा? 5 by 7 to the power -4 plus 3 = 5 by 7 − 4 + 3 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स 1, लेकिन क्या होगा? ये नेगेटिव होगा. ठीक है, सेकेंड लॉ है मेरा क्या है कि a by b to the power m / a by b to the power n. बेस सेम है लेकिन क्या है? डिविज. अगर सेम बेस हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड करना हो तो क्या होगा? a by b to the power m − n. हम लोग एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं. 3 by 4 to the power 6 divided by 3 by 4 to the power 2 ले लिया हम लोग, तो क्या होगा? 3 by 4 to the power 6 − 2, दैट मीन्स 3 by 4 to the power 4 होगा. मेरा थर्ड लॉ है कि अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है, यहां भी m है और यहां भी m है, लेकिन बेस डिफरेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को लिखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लिया 2 by 3 × 4 by 5 to the power 2, इसका भी पावर हम लोग क्या ले? 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग. पावर तुम क्या बोले कि बेस डिफरेंट है, सॉरी पावर तुम लोग भी 2 ही लेंगे क्योंकि हम पर थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं कि पावर सेम हो. तो क्या होगा? 2 by 3 × 4 = 5 होगा. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 × 2 = 8 5 × 3 = 15 to the power 2. नेक्स्ट मेरा लॉ है a by b to the power m (n). तब क्या होगा? a by b और पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. एग्जाम्पल 4 by 5 power 2 and again power 3. तो हम लोग लिख सकते हैं
फोर बाई फाइव टू द पावर टू इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर बाई फाइव टू द पावर क्या टू थ्री जा सिक्स. नेक्स्ट लॉ मेरा ए बाई बी टू द पावर माइनस एन जो हम लोग स्टार्टिंग में बताया, तो क्या होगा b बाई ए इसका रेसिप्रोकल होगा है ना टू द पावर n. जैसे अगर हम लिखते हैं 6 बाई सेवन टू द पावर माइनस फोर, दैट मीन्स हम इसको अगर हमको पॉजिटिव करना हो तो 7 बाई सिक्स, 6 बाई सेवन का रेसिप्रोकल क्या होगा 7 बाई सिक्स टू द पावर फोर. नेक्स्ट लॉ है मेरा a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी होल टू द पावर n, तो क्या होगा a बाई बी टू द पावर n डिवाइडेड बाई c बाई डी टू द पावर n. एग्जाम्पल 2 बाई थ्री डिवाइडेड बाई 4 बाई फाइव होल टू द पावर अगर हम दे दिया 3, देन मेरा क्या होगा 2 बाई थ्री टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 बाई फाइव टू द पावर 3. फिर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट मेरा a बाई बी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. किसी भी जो भी कुछ भी डिजिट ले, हम a बाई बी कुछ भी हो सकता है, अगर पावर 0 हो, जैसे एग्जांपल हम ले लिया 50 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमेशा अगर पावर 0 ही होगा, पावर 0 रहेगा तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा 1 होगा. तो आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग इसको पढ़िए समझिए ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे.